हरिओम एवं हरे राम। स्वागत है सभी सत्संगियों का बुधवार शाम के स्वामी धर्मदास दरबार के ऑनलाइन सत्संग में। आइए पहले तीनों गुरुओं का जयकारा करते हैं। बोलिए स्वामी धर्मदास साहब की जय, स्वामी अटलराम साहब की जय एवं स्वामी पेशुराम साहब की जय। गुरुओं के जयकारे के बाद आइए सीधे परम पिता परमेश्वर को याद करें। करना तो ऑर्डर में गुरुओं से पहले था, लेकिन फादर्स डे को कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए परमपिता को नमस्कार मैंने बाद में किया। वैसे तो हमारे यहाँ कहते हैं ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योम वक्त व्याप्त देहाय श्री दक्षिणामूर्तये नमः, यानी कि ईश्वर गुरु और आत्मा में कोई भेद नहीं है। दिवस मनाने लग गए हैं जिनके लिए हमारी संस्कृति अनुमति देती है। बेशक ही इस प्रथा का, यानी 20 जून को फादर्स डे के रूप में मनाने जाने वाली प्रथा की ओरिजिन इंडियन या नॉन इंडियन हो, वास्तव में ये अमेरिकन है। हमारे संस्कारों में तो सारा जीवन ही पिता को समर्पित करने की सीख दी गई है। उत्सव धर्मी भारत दुनिया की अच्छी बातों को अंगीकार कर आगे बढ़ रहा है। ऐसी उम्मीद से आइए हम परम पिता परमेश्वर, जिन्हें हम तुम ही हो माता पिता तुम ही हो के रूप में जानते हैं, या जिन्हें हम फादर इन हेवन के रूप में जानते हैं, बच्चों की पॉपुलर अंग्रेजी प्रेयर है जिसमें आगे कहते हैं वी योर लिटिल चिल्ड्रन फादर कॉलिंग ऑन यू गैदर, उस परम पिता को आज का सत्संग हम समर्पित करें। हमने बात परमपिता ईश्वर और गुरु से शुरू की थी कि दोनों में कैसे अभेद है, यानी कोई फर्क नहीं। इफ यू रिकॉल द आरती दैट वी कंक्लूड आवर वेंसडे सत्संग्स ईच टाइम यू वुड नो हाउ वी स्टार्ट एंड द कोरस इज जय धर्म पिता प्यारा जय सतगुरु सोभारा। बाय द वे द आरती इन दिस केस हैज बीन पेंड बाय स्वामी पेशुराम साहब जी हिमसेल्फ एंड सी हाउ ही कंक्लूड्स। बालक तुहिं जो प्रेमी तो वट सुआलिया महर करिया का मालिक प्रेम बख्शन हारा जय धर्म पिता प्यारा। एंड मोर ऑफ इट व्हेन वी कम टू द आरती। उतना ही नहीं, हमारे यहाँ एक स्ट्रॉन्ग गुरु शिष्य परंपरा भी है, जहाँ कई बार गुरु कोई और नहीं स्वयं पिता होता था, बायोलॉजिकल फादर। रिमेंबर श्वेत केतु एंड हिज फादर ऋषि उद्दालक फ्रॉम द छांदोग्य उपनिषद हु टॉट श्वेत केतु non-duality through various beautiful examples and also taught him that essential humility that is required for any type of learning. We'll elaborate on that on another occasion. But also remember one or the other gotras, the seven gotras out of which all of us are supposed to have sprung, the sons and daughters of the great rishis, the sapt rishis, the cultural, spiritual inheritors of those rishis we honestly really are, and they are truly our fathers. For those of us who are familiar with the beautiful life stories of our Sadgurus, Swami Dharmdas Sahab, Swami Atalram Sahab, we should know that Swami Atalram Sahab was the adopted son and successor of Swami Dharmdas Sahab, and what an able son and successor. Let me therefore take this opportunity to pay our obeisance at the feet of our Sadgurus. Let me also offer our deep collective gratitude to Sadhu Ramji, who was Swami Atalram Sahab's biological father and who, without batting an eyelid, committed to hand over his last born, who was still in his mother's womb, to the mother of Swami Dharmdas Ji Purti Bai, when she had approached the Darbar of Swant Vasan Shah, where Bhai Sadhu Ram was an old devoted satsangi. Shat shat hai aise biological pita ko, shat shat naman. और ऐसे गुरुओं को जिनके एक आवाहन मात्र से स्वामी धर्मदास साहब की दुखियारी माँ को एक बेटा मिल गया, और हमें हमारे फ्यूचर स्वामी अटल राम साहब, जो स्वयं अपने गुरु व अडॉप्टेड फादर स्वामी धर्मदास के प्रति आजीवन समर्पित रहे और एक डेडिकेटेड उत्तराधिकारी के रूप में स्वामी धर्मदास साहब द्वारा शुरू किया गया आध्यात्मिक काम को भी बखूबी आगे बढ़ाया। पितृभाव और पितृ संबंधों को संपोषित करने वाला यह विशेष दिवस को आइए एक बार फिर हम अपने सद्गुरुओं के प्रति समर्पण करते हैं। द
ताकि हम उनके दिखलाए मार्ग पर चल सकें और अपने लौकिक और आध्यात्मिक जीवन को मंगलमय बना सकें। वैसे तो पिता और पिता के प्रति हमारे कर्तव्य पर हमारा सनातन धर्म और सनातन ग्रंथ में विशद वर्णन और डायरेक्शंस हैं। रिमेम्बर, माता देवो भव, पिता देवो भव। एक गृहस्थ के लिए जो 5 यज्ञ जरूरी बताए गए हैं प्रतिदिन, उसमें पितृ यज्ञ भी एक यज्ञ है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या आधुनिकता के अंधानुकरण यानी विलासितापूर्ण जीवन जीने की होड़ में बढ़ती लालच की मनोवृत्ति में हम ऐसा कर पा रहे हैं? एक ओर तो धरती पर पैदा करने वाले पिता के प्रति सम्मान और नमन का भाव इंटरनेट पर भरपूर फादर्स डे के दिन देखने को मिला, यह जरूर खुशी की बात है। लेकिन दूसरी ओर अखबारों के एडिटोरियल पेजेस में जीवन की संध्या में बेरहम संतान अपने बुजुर्ग माता पिता पर कर रही अत्याचार, अबैंडन्ड बुजुर्गों के लिए और खासकर यह मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के बच्चे आलिशान और इजी जीवन पद्धति के लालच में बुजुर्गों से अपने नाम उनकी संपत्ति ट्रांसफर करवाकर उन्हें घर से निकाल देने की बात आम सी हो गई। पंजाब केसरी में जीवन की संध्या शीर्षक से लगातार लेख लिख लिख कर बुजुर्गों की समस्याओं और उनके पुनर्वास के लिए वृद्धाश्रमों के निर्माण की आवश्यकता के बारे में सरकार तथा समाजसेवी संस्थाओं का ध्यान आकर्षित करने वाला व्यक्ति एक उपेक्षित और लाचार पिता ही था। सो मच फॉर आवर सेलिब्रेशन ऑफ फादर्स डे, मदर्स डे एंड सो ऑन। इसलिए और भी आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को, अपने युवाओं को सही संस्कार दें, सही मार्गदर्शन दें, जिसके लिए सबसे उत्तम उदाहरण हमारे संत, हमारे संतों की वाणी और उनकी जीवनी होती है। इस कार्य को बल देने के लिए दरबार की तरफ से समय समय पर हमने बच्चों का प्रोग्राम, कॉम्पिटिशन एक्सेप्सा करवाया है। दरबार और युवाओं के मार्गदर्शन के लिए सही चारित्रिक मूल्यों को इम्बाइब करवाने के लिए सदगुरु सिक्ख्या आदि पब्लिकेशन निकलवाई है। कुछ मिनटों में ही हम अपने संगीत का सत्संग कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे, जिसमें गुरुओं की वाणी, कलाम आदि का आप आनंद उठा सकेंगे और साथ साथ जीवन जीने की प्रेरणा भी ले सकेंगे। बट जस्ट अ फ्यू मिनट्स मोर डेडिकेटेड टू अनदर ऑफ द इंटरनेशनल डेज, एंड दैट वाज द रिसेंटली कंक्लूडेड 21 जून 2021, द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, अगेन डिक्लेयर्ड बाय द यूएन एज सच, व्हिच एट लीस्ट एंड हैप्पीली हैज एन इंडियन ओरिजिन, brings to mind the yoga of the great ancient Rishi Patanjali, the initial founder of the yoga school, as a means to God realization. It has now been sadly reduced to mere physical and mental well-being, recommended not only by allopathic practitioners but by wellness coaches the world over. In these yoga sutras, Maharshi Patanjali speaks of pratyahar, the withdrawal of the mind from its scattered externality, to interiorizing it and focusing it upon the origin of thought itself. Patanjali details several practical steps to initiate and sustain the withdrawal, jisme yam, niyam, swadhyay, satsang, emphasizing the need for vairagya as the crucial prerequisite for developing pratyahar, withdrawal of the senses. We will now therefore enter into the satsang part of it, more precisely the musical satsang. And I call upon Shri Kailash Balani ji now for that. Namaskar, aur aaiye Kailash ji.